हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद फातिमा। आज हम बनाने जा रहे हैं अखनी पुलाव। इसके लिए मेरे पास है 700 ग्राम मटन और इसके लिए हमको सारे खड़े मसाले चाहिए। स्टार असाइन, मैस, काला मिरी, बड़ी इलायची, लौंग, तेज पत्ता और ज़ीरा, ये सारे मसाले हम डाल लेंगे कुकर में। इसके बाद हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़्यादा मात्रा में डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक। और एक गिलास पानी डाल के ढक्कन बंद कर देंगे। तो मैंने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है और गैस ऑन करेंगे और जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा मटन गल नहीं जाता। स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। हमारा मटन गल चुका है, अब हम गैस ऑन करेंगे। एक बर्तन में ऑयल डालेंगे, तीन स्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद में हम मेरे दो बड़े प्याज लिए हैं, ये प्याज हम डालेंगे ऑयल गर्म होने के बाद। ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें सिर्फ एक चम्मच हम जीरा डालेंगे, गरम प्याज डालेंगे और लाल होने तक हम इसको भूनेंगे। प्याज लाल होने देंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इसमें अब हम डालेंगे हरी मिर्च। मैंने 6 हरी मिर्च लिए और बारीक काट लिए और साथ में टमाटर भी डाल देंगे। और डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा नमक। और पोटैटो डालेंगे थोड़ा, मैंने 3 पोटैटो लिया है। और दही डालेंगे 3 चम्मच दही। अब हम गोश्त डालेंगे मटन। इसके बाद हम मैंने चने की दाल बॉईल करके रखी है, 15 मिनट भिगाया और इसको बॉईल कर लिए। मैंने एक प्याली चने की दाल ली है, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसको बटाटा जब तक हमारा गल नहीं जाते तब तक हम इसको पकाएंगे। फिर इसमें राइस ऐड कर देंगे। हमारे पोटैटो गल चुके हैं, अब हम अपना राइस डाल देंगे। मैंने 1/2 किलो राइस लिया है और 1/2 घंटे तक भिगो के रखा है, अब इसमें हम डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे पकने देंगे हम लोग। हमारे चावल पक चुके हैं, हमारा तैयार हो गया अखनी पुलाव। अब इसको हम सर्व कर देते हैं और गैस बंद कर देते हैं। हरे धनिया से गार्निशिंग करेंगे।